हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की मशहूर मिठाई बॉम्बे कराची हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। आज इसे हम बनाएंगे खास ट्रिक के साथ, परफेक्ट रेसो से, जिससे आपका ये कराची हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाना देखते हैं। इसके लिए मैंने एक जैसी कटोरी ली हुई है, जिसमें आधा कटोरी घी लिया हुआ है और उसी का डबल एक कटोरी कॉर्नफ्लोर या आरारोट लेंगे और उसी का डबल यानी दो कटोरी चीनी। इसके अलावा हमें चाहिए आधा चम्मच नींबू का रस, कोई भी फूड कलर, मगज और ड्राई फ्रूट जो कि ऑप्शनल हैं, आपकी इच्छा हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर को हम एक बड़े बॉल में डाल लेंगे, आप आरारोट भी ले सकते हैं, दोनों से ही बनते हैं। और तो यहाँ पे एक कटोरी आरारोट था तो उसका डबल हम पानी ले रहे हैं। अब इस पानी को हम आरारोट में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आरारोट हमारा मिक्स हो गया है, अब इसे एक तरफ रखते हैं और जिस थाली या ट्रे में हमें मिठाई सेट करनी है उसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब कोई भी मोटे तले का बर्तन लेंगे और उसमें दोनों कटोरी चीनी डाल देंगे। दो कटोरी चीनी थी तो यहाँ पे हम एक कटोरी पानी डाल रहे हैं, यानी कि उसका आधा। चीनी को हम मेल्ट होने देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे ही उबाल आने लगेगा चीनी को साफ करने के लिए हम इसमें एक टेबल स्पून दूध डालेंगे और जैसे ही दूध उबलने लगेगा ये एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि चीनी के अंदर जितनी मैल थी वो सारी इकट्ठा हो गई। अब इसे छन्नी से निकाल लेते हैं। बिल्कुल चाशनी हमारी साफ हो गई है, ट्रांसपेरेंट दिख रही है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा है इसे चलाते हुए सीरे में मिला देंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ करके हटना नहीं है। थोड़ी ही देर में देखिए जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा इसमें लंप पड़ने लगेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और थोड़ी ही देर में देखिए आरारोट अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल लंप्स फ्री हो गया है। अब इसी तरीके से चलाते रहेंगे, देखने में भी ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। जैसे ही हम घी डालेंगे ये देखिए इकट्ठा होने लगा है और तली को छोड़ने लगा है। पूरे घी को हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम घी डालते हैं ये देखिए तुरंत से इकट्ठा होने लगेगा। तो सारा घी डालने से हमें इसे मिलाने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा सा घी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। घी डालने से हलवे में बहुत ही बढ़िया सी चमक आती है और वो ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगता है। तो ये देखिए अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें हम कोई भी फूड कलर मिलाएंगे। ज़्यादातर मार्केट में रेड कलर का कराची हलवा मिलता है और आजकल मार्केट में बहुत सारे कलर के कराची हलवे मिलने लगे हैं, जिसमें येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर है। तो यहाँ पे कलर थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। अब ये देखिए नीचे से तली को भी छोड़ने लगा है, यानी कि अब हलवा हमारा तैयार है। इसमें अब हम ड्राई फ्रूट मिला देंगे, जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले मगज के बीज डाल दिए हुए हैं और थोड़े से कटे हुए मेवे। मेवे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, और आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट में डाल रहे हैं आधा चम्मच नींबू का रस, इसकी जगह आप साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने से शुगर हमारी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इससे हमारी मिठाई ज़्यादा दिनों तक ताज़ा और लचीली बनी रहेगी। अब इसमें फ्लेवर के लिए पिस्ता एसेंस डाल रहे हैं, आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं या फिर एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर ही डालिए, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो हलवा हमारा बन गया है सेट करने के लिए। अब इसे हम ट्रे में डाल दे रहे हैं, जिसमें हमने पहले से ऑयल या घी लगाया हुआ था। अब इसे हम फैला लेंगे, तो फटाक से फैलाएंगे वरना जमने लगेगा, और ऊपर से चिकना कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर से चिकना हो गया है। अब इस पर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो पहले हम बीज डाल रहे हैं मगज के, इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो लगभग एक घंटे बाद अच्छे से ये ठंडा हो गया है और देखिए सेट भी बहुत ही अच्छे से हुआ है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, तो पहले किसी थाली या प्लेट में पलट लेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, और देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसे काटने के लिए पहले इसके किनारे हम काट के निकाल देंगे, इससे क्या होगा कि जो पीसेज हम बनाएंगे बिल्कुल भी फाइन पीस निकलेंगे। तो एक साइड से किनारे काटने के बाद अब इसके हम छोटे छोटे पीसेज बना लेते हैं।
पीसेज आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े चाहे जैसे भी काट सकते हैं। देखने में देखिए कितना ही स्पंजी लग रहा है, कितना सॉफ्ट है। एक पीस निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये कराची हलवा बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब जब भी आपको कराची हलवा बनाना हो तो इस रेशो से बनाइए, इस मेजरमेंट से, बिल्कुल परफेक्ट कराची हलवा बन करके तैयार होता है, कभी भी नहीं बिगड़ता है। और ये हलवा खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है और जब घर में बनाते हैं तो काफ़ी हाइजीनिक और किफ़ायती होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।